आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको यहाँ पे फेसबुक पर जो है प्रोफाइल एंड टैगिंग का ऑप्शन देखने को मिलता होगा, तो इस वीडियो में हम प्रोफाइल एंड टैगिंग की जो सेटिंग है वो कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल एंड टैगिंग का एक ऑप्शन है। बेसिकली जैसे आप सेटिंग में आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये यह ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है प्रोफाइल एंड टैगिंग करके। तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए बहुत से ऑप्शन खुलते हैं। हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, मतलब आपके प्रोफाइल पर कौन आप फोटो अपलोड कर सकता है, डाल सकता है, या फिर प्रोफाइल पर आपके फोटो कौन लगा सकता है, जैसे बर्थडे वगैरह पोस्ट वगैरह आती है तो कौन लगा सकता है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फ्रेंड्स और ओनली मी। ओनली मी करेंगे तो कोई भी आपके प्रोफाइल पर फोटो नहीं डाल सकता या फिर लगा सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हु कैन सी योर अदर पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, मतलब आपकी पोस्ट पर अगर प्रोफाइल पर कोई अदर पोस्ट डालेगा तो वो कौन देख सकता है। अगर ये ऊपर वाला ऑप्शन अगर आप ओनली मी करते हैं तो ये जो नीचे वाले ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली जो है ओनली मी ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एवरी वन भी कर सकते हैं या फिर ओनली मी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक नंबर वाला ऑप्शन बंद कर देते हैं जिससे कि आपके प्रोफाइल पर कोई भी फोटोज नहीं डालेगा, देन आपकी जो अदर के फोटो है वो कोई डालेगा ही नहीं तो देख भी नहीं सकता, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे ऑप्शन है अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट ऑन देयर स्टोरी, तो आपकी जो पोस्ट है उसको स्टोरी के तौर पर कौन लगा सकता है, तो इसको आप लगा यस कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो स्टोरी है वो कोई शेयर नहीं कर सकता या फिर आपकी पोस्ट को स्टोरी के तौर पर नहीं लगा सकता। टैगिंग का ऑप्शन है, आपको कौन टैग कर सकता है अपनी पोस्ट में, बार बार कई बार नोटिफिकेशन आती है तो उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ओनली मी या फिर एक्सपेक्टेड फ्रेंड, मतलब कुछ फ्रेंड्स आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे या फिर ओनली मी भी आप कर सकते हैं। नीचे और कुछ ऑप्शन है जैसे रिव्यूइंग और रिव्यू पोस्ट, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली फेसबुक की जो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट ऐसी ही होगी। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।